हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर भूख हड़ताल कर रहे चीनी मिल के 3 मृतक आश्रितों की हालत अचानक खराब हो गई। मृतक आश्रितों की हालत खराब होने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया, जहां आनन फानन में पुलिस प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने मृतक आश्रितों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। बता दें कि चीनी मिल के मृतक आश्रित चीनी मिल में नियुक्ति की मांग को लेकर 2 दिनों से भगत सिंह चौक पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, जहां दूसरे दिन चीनी मिल के 3 मृतक आश्रित विशाल, सानू और सागर की तबीयत अचानक खराब हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने मृतक आश्रितों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान चीनी मिल के मृतक आश्रित मोहनी शर्मा ने कहा कि सरकार हमारी मांग को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मृतक आश्रित के साथ कोई घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो आने वाले चुनाव में प्रदेश सरकार के खिलाफ मृतक आश्रित दुग्गल फूकने का काम करेंगे। आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले 25 दिनों से चीनी मिल शुगर मिल के आपके जो गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे अनिश्चितकाल के लिए। हमारी मांगों को लेकर, हम अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, आला अधिकारियों से ही मिल चुके हैं और अपने गन्ना मंत्री से ही मिल चुके हैं, विभागीय मंत्री हैं हमारे। सभी ने सिर्फ आश्वासन दिया है और सिर्फ हमारे साथ जो हो रहा है सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी है और हमारे पास कोई भी अब आगे के लिए कुछ सोचने के लिए, विचारने के लिए समय नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो 5 साथी 6 साथी जो हम लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, हमने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और हम ये चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। अगर हमारे किसी भी साथी को कोई भी अगर परेशानी होती है, जैसा कि हम आपको बता दूं कि हमारे 3 साथियों की हालत थोड़ी ज़्यादा गंभीर है और मैं ये कहना चाहता हूँ अगर स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा अगर बिगड़ती है तो इसको सब कुछ जो भी देख रेख होगी सब शासन और प्रदेश सरकार की होगी और मैं ये चाहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। और अगर मैं सब इन जो भी हमारी बाजपुर की स्थानीय जनता है सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि हम लोगों का सहयोग करें। ये स्थिति जो हमारे साथ है वो सरकार में या किसी चीनी मिल में किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथियों के साथ किसी के साथ भी या हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा या हमारी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हम आने वाले समय में सरकार के साथ, सरकार के खिलाफ, अभी तो हम सरकार के साथ खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, मगर अगर हमारी नियुक्ति जल्द नहीं दी जाती है तो हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने में कतई कोताही नहीं बरतेंगे। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।